भारत के खिलाफ खेलते थे सर, क्या प्रेशर होता था इससे पहले किसी इंडियन क्रिकेटर ने आंखें दिखाई हो या आपने दिखा दी हो जाके आंखें? यार उस टाइम में आंखें कोई नहीं दिखाता था हमें, क्योंकि हमारे पास एक आदमी ऐसा था जो सिर्फ हु ही करता था तो सब खामोश हो जाते थे, जावेद भाई। 2 तारीख को किसका पलड़ा भारी है? हमारी तरफ पल्ला गिर रहा है, 60-40 कहता हूँ। 60 हम अपने आप को कहेंगे, हाँ बिल्कुल, 40 उनको कहेंगे। क्यों हमें आप लेट डाउन करवाने के चक्कर में यार, क्यों आप मतलब वो बात कर रहे हैं जो नहीं होने वाली? लेकिन मुझे ये लग रहा है कि इंडिया मार देगा पाकिस्तान को। देखिए भारतीय तो चालाक है, वो अच्छा। जो है ना पेड़ा मान के पेड़ा, हाँ वही वाली बात है। लेकिन कभी मियार गिरा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ खौफ, खौफ जो है ना जी वो है। किस पे है सर? रोहित पे, बाबर पे? सब पे खौफ है उनके यहाँ। बाबर पे क्या, बाबर से तो वो खुद खौफ ज़्यादा हैं यार। शाहीन शाह का जो तोड़ है वो विराट कोहली के पास है। आमिर ने जो जिस तरह की बॉलिंग की तो वीक पॉइंट भी वही है कोहली के बाद, फिर जो आमिर का हशर भी करा सर, वो बात की बात है। रोहित पे कितना दबाव होगा? कि इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद तो बहुत कुछ उलट पुलट हो जाता है, जो टीम हारती है हीरो बन तो जाती है। अब मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि रोहित का ख़राब टाइम आ जाए। शामी ने बाबर पे अटैक कर दिया जैसे मोहम्मद कैफ कह रहे हैं भाई। इन पिचों पे अगर जो है ना शामी को आप नहीं खेल सकते तो फिर तो बेकार की बात है ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह आप इस शो को पसंद करें, अपना फीडबैक दे रहे हैं, अपने कमेंट दे रहे हैं। अपने कमेंट्स और फीडबैक इसी तरह जारी रखिएगा। आज बात करेंगे एशिया कप के हवाले से, शाहीनों की परफॉर्मेंस के हवाले से और सबसे बढ़ के पाक भारत टाकरे के हवाले से। आज फिर मौजूद हैं तौसीफ अहमद साहब, बेंगलोर टेस्ट के हीरो, शारजा के हीरो, और इनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान इंडिया की जो क्रिकेट का मज़ा है और जो प्रेशर है क्या होता है। तो सिर्फ पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बात यह है कि हीरो, आप जो कह रहे हैं कि हीरो या क्या लफ्ज़ अभी आपने इस्तेमाल किया, इस मैच में कौन हीरो? बेंगलोर के हीरो, बेंगलोर के हीरो। एक ज़माने में हीरो जब फिल्म के जो होते थे ना वो होते थे, अब हमारे वाला तो वो काम ही नहीं रहा कि हीरो वाला। मैं विलन नहीं बन गया, लोग मेरे लिए विलन बन गए, विलन बना दिया, ज़बरदस्ती का विलन बना दिया। और मैं आपको पता है कि बड़ी तरीके से बात करता हूँ सारा, और क्रिकेट पे बात कर लें। और सर मैं मुंह का फायर करने वाला मैं नहीं, नहीं आप जनाब से बात करता हूँ, लोग तो मेरे पर थप्पा लगा देते हैं, एक क्रिकेटर में लड़ाइयाँ करवाता है। मैंने आपका वो सुना था कि ऐसा था, मैं मेरा नहीं ख्याल लड़ाई का, वो एक इंसिडेंट हुआ था उसका, क्योंकि चूँकि मैं ही इसमें इन्वॉल्व था तो जी 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 वो होना ज़रूरी था। अभी साहब एक क्रिकेटरों ने मुझे कान पकड़ लिए थे मेरे आगे ने कहा बहरहाल। अच्छा सर, मैं इस पाक भारत टाकरे से आपसे पूछूंगा, आप जब भारत के खिलाफ खेलते थे सर, क्या प्रेशर होता था? कप्तान आपको क्या कहते थे? आप अंदर से क्या फीलिंग होती थी? उस वक्त तो सर सुपर स्टार की लिस्ट थी भारतीय टीम में। नहीं, यकीनी तौर पर, और हमारे टाइम में अगर लोग ये सोच रहे हैं कि शायद कोई ऐसा कंपटीशन नहीं था, बहुत तगड़ा कंपटीशन था। और अभी तो आपको बड़ा रिलैक्सेशन मिल रहा है बहुत चीज़ों में, हर चीज़ मिल रही है और रिलैक्सेशन भी मिल रहा है आपको। तो वो टाइम में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता था, जो लोग शायद बात कर रहे हैं कि ये इतना साल पुराना हो गया हम लोग, लेकिन जो ग्रेट प्लेयर्स हमारे साथ खेले हैं ना जी सर, वो आज उनके साथ बैठे हुए हैं, सारा कुछ है। और पाकिस्तान की क्रिकेट को और प्लेयरों को समझते हैं वो, कि वो क्या है। सही सर। और हमेशा के साथ मैं समझता हूँ कि ये लोग जो है वो खाइफ रहे हैं और वो चीज़ अभी ख़त्म नहीं हुई। गो के अगर हम देखें 172 या कितने मैच हुए हैं, हमने हमने उसमें से अभी भी मार्जिन काफ़ी है, 72 हम शायद जीते हैं और 55 का, तो वो मार्जिन जो चल रहा है ना वो हमारे टाइम का ज़्यादा चल रहा है। तो अगर ये हमसे नहीं खेलेंगे तो फिर ये मार्जिन कम नहीं होगा, ये तो चलता जाएगा। अच्छा सर, आप मेरे हर शो में कोई ना कोई मेमोरी शेयर करते हैं भारत के ख़िलाफ़ शारजा में जो आपने हुआ, कोई ऐसी मेमोरी मैच से पहले किसी इंडियन क्रिकेटर ने आँखें दिखाई हों या आपने दिखा दी हों जाके आँखें? यार उस टाइम में आँखें कोई नहीं दिखाता था हमें, क्योंकि हमारे पास एक आदमी ऐसा था जो सिर्फ हु ही करता था तो सब खामोश हो जाते थे, जावेद भाई। और जावेद भाई का तो क्लास ही अलग थी, वो अकेले जो है ना, मैं एक तरह से कहूँगा कि अकेले सबको संभालते थे।
और वो टाइम में प्लेयर भी ज़रा तमीज़दार प्लेयर होते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं। 2 तारीख को किसका पलड़ा भारी है? हमारी तरफ पल्ला गिर रहा है लग रहा है मुझे, मगर वो जो बारिश का सिलसिला आ रहा है, मैं मुझे बस ये है कि यार पूरा मैच होना चाहिए, अगर पूरा मैच नहीं हुआ तो मज़ा नहीं आएगा। फिर वही इसमें जो है अभी तो बड़ी मुश्किल से तो वो हमारे साथ खेल रहे हैं, 1-2 मैच और एक और मैच है इस राउंड के अंदर ही मुझे लगता है, तो ये पूरा हो ना तो फिर हम वो जो है ना थोड़ा सा 5 हम जीते हुए वो 8 जीते हुए इसमें, तो वो हम करीब ले आएंगे उनके। सर टॉस जीत के क्या करना चाहिए हमें, बैटिंग करनी चाहिए और प्ले 11 में कोई तब्दीली देख रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से? ना कि मुझे उस वक्त पिच को और उसको देखा जाएगा, बट आई मुझे लग नहीं रहा कि ऐसे कोई बड़ी चेंजेस ऐसी नज़र आ रही है मुझे, इसलिए कि आपको मिडिल ऑर्डर का ही है उसमें आप देखेंगे मुझे, लेकिन अभी भी मैं इसमें हूँ कि श्योर हूँ कि अगर सब चीज़ें ठीक रहती हैं, फिटनेस सारी ठीक रहती है, तो यही 11 मुझे लगता है कि उनके खिलाफ भी जाएगी। और जाहिर है परफॉर्मर हैं, 2 आदमियों ने 100 किए हुए, खैर कप्तान की तो बात अलग ही है, इफ्तिखार ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली, चाहे कोई भी हो 100 करना एक बड़ा मुश्किल वो होता है, तो आई थिंक मैं तो इसको 60-40 कहता हूँ, 60 हम अपने आप को कहेंगे, हाँ बिल्कुल 40 उनको कहेंगे, क्यों हमें आप लेट डाउन करवाने के चक्कर में यार, क्यों आप मतलब वो बात कर रहे हैं जो नहीं होने वाली। सर भारतीय मीडिया भी यही कह रही है जो आप कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि इंडिया मार देगा पाकिस्तान को। देखिए भारतीय तो चालाक है बहुत, वो जो है ना पेड़ा मान के पेड़ा, हाँ वही वाली बात है, लेकिन कभी मियार गिरा रहे हैं तो, लेकिन मैं आपको बता दूँ खौफ जो है ना जी, वो है। किस पे है सर? रोहित पे, बाबर पे? सब पे खौफ है उनके यहाँ, बाबर पे क्या, बाबर से तो वो खुद खौफ ज़्यादा हैं यार जी सर, वो बाबर ही समझ रहे हैं, आप देखना कि वो दूसरे जो नहीं चल रहे वो मुसीबत डाल देंगे। और सर उनके रोहित शर्मा ने कहा था कि शाहीन शाह का जो तोड़ है वो विराट कोहली के पास है, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेफ्ट आर्म फास्ट भी कर रहे हैं, सुने लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को आपने देखा था ना जी सर, आमिर ने जो जिस तरह की बॉलिंग की तो वीक पॉइंट भी वही है कोहली के बाद, फिर जो आमिर का हशर भी कर रहा था, वो बात की बात है, लेकिन वो टाइम में कोहली के लिए जो हम क्रिकेटिंग उसमें थोड़ी सी कमजोरी समझते हैं कि वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर पे हल्का है, और शाहीन के पास जो है ना जी जी, वो दोनों चीज़ें अंदर भी लाता है और बाहर, तो बेखौफ तो विराट पे सर कुछ प्रेशर होगा, अभी भी उन्होंने एक ट्वीट करी थी उस पर भी BCCI उनसे नाराज़ हो गया था, फिर जो वेस्ट इंडीज सीरीज़ में उनको बाहर बिठाया था, तो विराट के माइंड में होंगी ये सारी चीज़ें या ये सब चीज़ें निकाल के उनका फोकस होगा पाकिस्तान मैच? देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, विराट को ये ज़बरदस्ती अगर निकाल दें तो निकाल दें जी, विराट ऐसा प्लेयर है कि वो टीम से ड्रॉप नहीं होता किसी भी हाल में, मेरी अपनी नज़र में है, ठीक है उसके वो थोड़ा हाइपर है, कप्तानी इसी वजह से उसकी गई है, सारा कुछ है, मगर अभी भी मैं समझता हूँ वो बैकबोन है, आपने नहीं देखा अभी जो मैच हुआ था वेस्ट इंडीज उसके पाकिस्तान वो भी, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी जो मैच हुआ आप देखें जी सर, यहाँ से तगड़ा है, हम शोरी करते रहे साहब, उसने 3 रन जो है रूल्स को देखा, उसने उसको पता था रूल्स का, हम सभी बातें करते रहे, उसने 3 रन भाग के ले लिए, तो आप देख लें कि उसका कितना है, मुझे नहीं लगता कि वो इन लोगों की गो के उसके ऊपर ये लोग काफ़ी जो है प्रेशर डाल रहे हैं, बट आई डोंट थिंक सो वाले सर सभी मुझमें देखें इनके कोचिज़ का भी है प्रॉब्लम, जाहिर है आए थे बीच में कुछ करने की कोशिश की, वही वाली बात जो एक नज़र आती है, बट आई थिंक उसको उस पर फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो समझते हैं कि ये इस काबिल नहीं है अब तो भाई बिठा दो, लेकिन बिठा नहीं सकते उसको, अभी भी पता है उन्हें कि ये नए लड़के से 100% वो ज़्यादा बेटर है। और सर रोहित पे कितना दबाव होगा? दबाव तो होगा डेफिनेटली, लेकिन उसको सपोर्ट जो है ना बहुत मिल रही है, सब अपनी जगह है, अच्छा प्लेयर है अपनी जगह है, मगर वो जब रन्स करेगा ना, क्योंकि रन्स के मामले में अभी वो भी थोड़ा पीछे ही जा रहा है जी जी, तो रन्स करेगा तो ठीक है, और बात ये है कि इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद तो बहुत कुछ उलट पुलट हो जाता है, जो टीम हारती है हीरो बन तो जाती है, अब मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि रोहित का ख़राब टाइम आ जाए यहाँ से, और फिर वर्ल्ड कप में फिर वही बात है सर, कप्तान चेंज है भारतीय टीम का भाई, यहाँ तो हारने के बाद बहुत कुछ होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके पास सच बात तो यही है,
के उनको जो उनकी स्ट्रेंथ जो है ना सर, पीछे भी कुछ स्ट्रेंथ बैठी हुई है। अच्छा सर, हर दौर में ये कहा जाता है, आपके दौर से आज तक ये कह रहा है कि पाकिस्तान की बॉलिंग और भारतीय टीम की बैटिंग का टकराव है, अभी भी आपको लग रहा है सर देखते हुए? भाई उनको भी लग रहा है, मुझे ही सिर्फ नहीं लग रहा है, उनको भी लग रहा है कि उनकी वो हमारी बॉलिंग से खाइफ हैं। लेकिन थोड़ा सा जहन में हमारी बैटिंग पे भी है, और वो सिर्फ बाबर बाबर की बात जैसे मैं कर रहा हूँ ना कि जैसे बाबर की बात करते हैं, बाबर बाबर मैं बता रहा हूँ कि हमारे जो कुछ नहीं चल रहे अगर वो चल गए तो बहुत मुसीबत डाल देंगे। लेकिन सर जो अफगानिस्तान के खिलाफ इसी बॉलिंग लाइन में उन्होंने 300 बना दिए थे, तो हमारी बॉलिंग लाइन पे थोड़ा प्रेशर होगा? वंस अ टाइम कोई ऐसा नहीं है, ठीक है मार पड़ गई, वो अच्छा खेले, हम उनको क्रेडिट देते हैं बहुत अच्छा खेले, हम दो मिनट में तो अपने बॉलिंग को या उसको लेट डाउन नहीं कर सकते ना, बहुत उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी हैं और लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, ग्रेट प्लेयर्स उनकी तारीफ कर रहे हैं सबकी, और हारिस को ख़ास तौर पर मैं कहूँगा कि वो उसने बहुत जल्दी बहुत अच्छा वो किया है, स्लोर वन ये वो, मतलब आई मीन के नज़र आता है चीज़ें के इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। बट ये है कि ये मुकाबला आसाब का है, बहुत बड़े आसाब का जो है ये मुकाबला है, और अपने ऊपर सवार ना होने दें। और सर जो इमाम और फकर नेपाल के खिलाफ जिस तरह आउट हुए हैं, उन पे होगा प्रेशर कि सामने बुमराह हैं, शामी हैं? देखें मैं ख़ास तौर पर इमाम की बात करूं, वो अटैकिंग क्रिकेट खेलता है और मैं समझता हूं कि अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए, वो टाइम निकल गया कि आप फंस के खेल रहे हैं, फंस के खेल रहे हैं, वो टाइम निकल चुका है। लेकिन मैं इमाम को ख़ास तौर पर अगर वो खड़ा रहा तो हमारे को एक अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप मिल सकती है, और अगर हमें अच्छी पार्टनरशिप लग गई तो फिर हम काफ़ी लंबा स्कोर कर। अच्छा सर, भारतीय टीम में दो मैच के लिए अभी के राहुल नहीं है इंजरी की वजह से, भारतीय टीम को इसका नुकसान होगा? देखिए की प्लेयर तो है वो उसका, लेकिन बात ये है कि उनके पास बैकअप में हैं प्लेयर जी सर, और वो किसी को चेंज कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और पेपर ऑन पेपर तो आपको उनकी टीम बहुत तगड़ी नज़र आ रही है। लेकिन तगड़ी तो है, लेकिन सर तनकीद भी बहुत हुई है उनकी। तनकीद होना ये तो हमारे यहाँ का वो बन गया है, रीत हमारी एशिया में। देखें ना, प्रॉब्लम तो उनके यहाँ चल रही है, अगर कोई कुछ ख़राब होना है ना जी सर, तो वो ये चीज़ भी है कि आपस की अंदर की जो रंजिश है ना जी सर, चाहे वो कोहली के ख़िलाफ़ हो रहे हो या किसी के भी ख़िलाफ़ हो रहे हो, ये उनको जो है ना मुश्किल डलवा देंगे जी सर। अच्छा सर, ये जो हमारी बैटिंग मिडिल ऑर्डर का मसला जो हल करवा रहे हैं वो मोहम्मद रिजवान करवा रहे हैं नंबर चार पे आके, सही है सर ये? देखिए इस वक्त जो एक कप्तान ने स्ट्रेटजी बनाई है या कोच ने स्ट्रेटजी बनाई है, वो उस पर तो पूरा वो होता है, और आपके पास जो लाइन 11 की बनती है बैटिंग के साथ साथ ऑलराउंडर भी है, तो मेरा ख्याल है कि अगर कोई ऐसा टाइम आता है तो आप बैटिंग ऑर्डर को थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। मसलन मैं इस तरह कहूँगा कि अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर वगैरह लगे हुए हैं तो आप कोई लेफ्ट हैंड बैट्समैन को आप अगर है आपकी टीम में तो आप उसको अंदर भेज सकते हैं। सर अगर तो मैं आपसे पूछूँगी, सऊद शकील कोई इंडिया के मैच मुझे नहीं लगता है? मुझे नहीं लगता कि उसको खिलाएंगे, बड़ा मुझे बहुत फिर देखिए ना, बड़ा मैच ज़रूर होगा और वो प्लेयर उसने बड़े रन्स किए हैं, हमें नज़र आ रही है ये सारी चीज़, लेकिन अगर चांस लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। बट वही वाली बात कि अगर खुदा ना खासा फेल हो जाते हैं वो, तो फिर ये ना हो कि उसको बाहर कर दें। बट रिक्वायरमेंट ये है कि हमें मिडिल ऑर्डर में एक खब्बा ऐसा चाहिए, उनके पास लेग स्पिनर भी मौजूद है, उनके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर भी मौजूद है, उनके पास जी सर इंडियंस के पास जी जी, तो हमें एक बीच में खब्बा ज़रूर चाहिए, नवाज़ भी उसमें आ सकता है जी सर। तो ये सब देख के जो है टीम को बनाना पड़ेगा। पहली तो बात ये है कि वो जो बारिश का जो हम सुन रहे हैं जी जी, उसमें जब ओवर डिटेक्ट होते हैं ना तो फिर टीम भी थोड़ी सी चेंज होने के चांस अभी भी माइंड में होगी। बाबर को प्लान बताया जा रहा होगा कि भाई बारिश हो गई तो आपने इस प्लान से जा रहा है? प्लान तो डेफिनेटली हो रहा होगा, प्लान ये तो नहीं, सी डी सब सब होगा, वो उसमें कोई नहीं। अब बात यह है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को देखें कि आपकी स्ट्रेंथ है क्या। अगर आप तो अब टॉस जीत के बैटिंग करनी भी आपने शुरू कर दी है काफ़ी उसमें, जबकि हम सोचते थे कि हमारी बैटिंग जो है ऐसी है, हम या चेस करने में हमें मुश्किलात होती थी, बट अभी तो आपने करने शुरू कर दिया। लेकिन पर्टिकुलर इस मैच के लिए अली नकी जो है, इस मैच के लिए आपके आसाब पे काबू पाना पड़ेगा सही, और वो आपकी जीत बनेगी। और बाबर की सेंचुरी पक्की है भारत के खिलाफ? भाई मैं ये नहीं कह सकता, अब जाहिर है कि सारे प्रेशर आप
बाबर पे ना डालें, और वो करेगा तो बहुत अच्छा है, वो भी यही सोच रहे हैं कि शायद वो कहीं सेंचुरी ना बना जाए। हमारे एक दो और भी प्लेयर हैं, वो भी बना सकते हैं। शादाब ही ट्रम्प कार्ड होंगे मैच में, मैं खुद भी कहता हूँ ट्रम्प कार्ड बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि देखें पहले उससे बॉलिंग नहीं हो रही थी, जो हम काफ़ी पहले से हम बात करते थे, उसका फोकस बैटिंग पे चला गया था, बट हमने देखा उसकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, उसके साथ ऑलराउंड परफॉर्मेंस दो मैन ऑफ द मैच आई थिंक हुए हैं वो। जी जी, तो अभी आपको भारतीय टीम का वीक पॉइंट क्या लग रहा है कि बाबर उस पर ज़्यादा अटैक करें? देखिए कोहली है मेरे ख्याल से, नहीं सिर्फ कोहली ही नहीं है, उनके बैटिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन हाँ डेफिनेटली उनकी बैटिंग को हम जो है जिसे कहना चाहिए डैमेज करने के लिए, और उनको भी खौफ है कि हमारे जो ऊपर के बॉलर्स हैं वो हमारी दो तीन विकेट्स ऊपर से गिरा दी, तो मुश्किल आ जाएंगी। और सर अगर शामी ने बाबर पर अटैक कर दिया जैसे मोहम्मद कैफ कह रहे हैं, भाई इन पिचों पे अगर जो है ना शामी को आप नहीं खेल सकते तो फिर तो बेकार की बात है ना यार। देखिए एक चीज़ नज़र तो आ रही है ना यार, शामी बुमराह भी तो है उनके पास और भी तो है ना, अगर आप वैसे देखें तो क्लास शाहीन में, और फिर जो आप उसकी बात कर रहे हैं वो तो सर टॉस कितना इम्पोर्टेंट होगा इस मैच में कि जैसे पहले कहते टॉस जीता मैच जीत गए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम तो अब टॉस पे जा ही नहीं रहे ना, हम तो टॉस जीत के बैटिंग भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट आई थिंक इनके खिलाफ स्ट्रेटजी हमें ऐसी बनानी पड़ेगी जी सर, कि जिसमें हम उनकी स्ट्रेंथ को करें थोड़ा सा देखें हम, और इन पिचों पे मुझे ऐसा लगता है कि पहले जो जो जीतेगा पहले बैटिंग करने की कोशिश करें। अच्छा सर मैदान में तो ये खिलाड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ पाक बारह टाकरे शुरू हो गए हैं हर चैनल पर, आप भी अभी एक टाकरे में बैठे थे, तो सर पाक बारह टाकरे का भी एक प्रेशर है जो मीडिया पर बैठ के अजीब अजीब बातें होती हैं कि हम ये हैं वो हैं। यार देखिए ये आज से नहीं, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि और बल्कि सबको पता है कि एशिज सीरीज़ से बड़ी सीरीज़ है जी सर, लेकिन सवाल ये है कि ये एशिज तो खेलते हैं हमेशा, हम क्यों नहीं खेल रहे हैं, मतलब हमसे मुराद इंडिया हमसे क्यों नहीं खेल रहा जी, जी, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आप हमसे, आप नंबर वन कहते हैं आपकी बहुत अच्छी टीम है, मैं तो नहीं मानूंगा कि हमारे मुकाबले में आपकी बहुत अच्छी टीम है जी, जी। हाँ फ़र्क ज़रूर है आपके उसमें, लेकिन जब तक आप हमारे साथ लंबे नहीं खेलेंगे ना, तो सर लंबे उसमें नहीं। अभी अभी खेल रहे हैं, फिर 10 तारीख को खेलेंगे, फिर फाइनल भी हो सकता है इम्कान है, और फिर सर वर्ल्ड कप में तो करना ही सामना, वो तो हो गया, लंबे से मुराद मेरी है आप सीरीज और भी सीरीज हैं, 20 सीरीज है, टेस्ट मैच की सीरीज है, सब खेले ना यार, ऐसा थोड़ी है कि ये सिर्फ एक आप जीत गए तो आप वर्ल्ड क्लास हो गए हमें नीचे गए, नहीं ऐसा नहीं है, या हम जीत जाएं तो हम कहेंगे नहीं आए, ज़रा से टाकरा कोई 15-20 मैच का हो तो उसमें हम मुवादना करेंगे कौन सी अच्छी टीम है। अच्छा सर बांग्लादेश की परफॉर्मेंस के हवाले से आप क्या कहेंगे, जैसे कहते हैं इंडिया टीम में भी कुछ सियासत चल रही है, पाकिस्तान में भी चल रही है, बांग्लादेश के हवाले से भी कह जाने इनकी टीम में भी बहुत सियासत अब हो गई है शकीबुल हसन की वजह से, एशिया में है ही सियासत बहुत, पूरे एशिया में वो किलकिल है, बहुत ज़्यादा किलकिल है और नज़र आती है, और इन अभी हमने देखा वाकई बांग्लादेश का देखे ना, नीचे श्रीलंका काफ़ी नीचे चली गई थी बीच में, लेकिन उन्होंने दोबारा से अपनी टीम को एक वो किया है, और बांग्लादेश ऊपर गई थी अभी अपने अपने उसमें तो बहुत ही अच्छा खेलते हैं, बट हाँ प्रॉब्लम तो है उनकी टीम में और वो इनके लिए नुकसानदेह हो सकती है। शकीब सस्पेक्टेड हर लिहाज से मुराद मेरी ये, देखिए मैं कप्तान बना दिया, कोहली बन गए या लोग कह रहे हैं शायद आफ्रिदी बन गए, उससे मुकाबला नहीं कर सकते आप, ये कहाँ अभी इन दोनों आदमियों से, शायद की एक अपनी मार्केट थी, हाँ वो अपने मुल्क के हिसाब से होंगे लेकिन बट जो उनका प्रीवियस थोड़ा सा रिकॉर्ड गया है ना वो ऐसा हुआ है, क्योंकि वो भी जज्बाती बहुत हैं, हमने विकेट भी उखाड़ते हुए देखा, हमने बहुत कुछ करते हुए देखा, मगर ICC कहाँ है कि कोई मतलब एक्शन ही नहीं लेती है किसी पर, कोई ऐसी चीज़ है तो एक्शन ले ना सर, वो BPL का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ बांग्लादेश खिलाड़ियों को? मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है, हो सकता है मनी वाइज हुआ हो वहाँ पर, बोट को हुआ हो अपनी जगह, प्लेयर तो जाहिर है पैसे ले रहे होंगे अपनी जगह, बट उनकी टीम इस वक्त मुझे डिक्लाइन पर नज़र आती है। फाइनल प्रेडिक्शन आपकी क्या है पाक भारत टाकरे पे, क्या टारगेट आप देख रहे हैं इस पिच पे? 60-40 कह रहा हूँ। टारगेट देखिए अगर पूरा मैच होता और जो दोनों की
वो जो है बॉलिंग और बैटिंग के हिसाब से हम देखते हैं ना, और वेन्यू को हम देखते हैं, तो 250 एक अच्छा स्कोर होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने सुनी बेंगलोर और शारजा के हीरो तौसीफ भाई की, और अब आपसे मुलाकात होगी। अपना कमेंट्स वमेंट ज़रूर भेजिएगा मैच के बाद, तो ज़रूर देखेंगे तौसीफ भाई की कितनी बॉल्स विकेट्स पे लेंगी, कितनी विकेटें लेंगी तौसीफ भाई ने इस शो में। तो अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट एपिसोड पे आ जाऊँगे।